हेलो 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 इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट राइड का, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम नॉर्थ ईस्ट राइड स्टार्ट करने वाले। और मेरा टिकट विकट कट चुका है, तो मैं वाया सिलीगुड़ी जाने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना प्लान बदल दिया। मैं सीधा कटिहार से उतरूंगा कामाख्या। हम सीधा अगर हम बिहार की धरती से बाहर निकल के कहीं कदम रखेंगे तो सीधा नॉर्थ ईस्ट की धरती पे। तो मेरा पैकिंग वैकिंग सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और ये पीछे आप देख पा रहे हो कि मेरा घर है। अभी मैं अपने होम टाउन पूर्णिया में हूँ, तो अभी एक दो काम बचे हैं अपने शहर में, वो कंप्लीट करते हैं और फिर सीधा भैया कल सुबह 4 बजे की ट्रेन है, ट्रेन पकड़ने निकलते हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर है। तो जाने से पहले मैंने सोचा ना, बाल बाल बहुत बड़ा है यार, उधर कटवा पाएंगे नहीं कटवा पाएंगे, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अपने फेवरेट भैया के आ गए हम बाल कटवाने के लिए, तो बाल बाल कटवाते हैं और सीधा मैं आपको बाल कटवाने के बाद मिलता हूँ। तो बाल कटवाने के बाद ना कुछ ऐसा लुक आया है, ये देख लो आप, ऐसा कुछ अभी तक ना आया हुआ भी नहीं हूं मैं। और फाइनली मेरा दोस्त मेरे से मिलने के लिए बलाराकोटी से आ गया, मनु झा, मेरा बड़ा एक बेस्ट फ्रेंड है। तो ये मुझसे मिलने आया क्योंकि कल जा रहा हूँ ना, तो ट्रिप से जब आया था ये मुझसे नहीं मिल पाया था। और पूरे ट्रिप में इससे ही मेरे को, मतलब पूरे ट्रिप में मेरा इससे ही ज्यादातर बात हो रहा था कॉल पे। तो और बताओ कैसा लग रहा है? एक नंबर, बहुत दिन के बाद मिले, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा ना? तो अभी गए थे हम बैंक, मेरा कुछ काम था यार एटीएम कार्ड वगैरह का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में गूगल पे वगैरह शायद काम करता नहीं है कहीं पे भी, तो कैश वैश का थोड़ा सा इशू ना हो। तो फाइनली शाम के 4 बजे और अभी ऐसा कांड हो गया ना हमारे साथ कि मेरे गाड़ी का तेल ही खत्म हो गया। तो अभी जो है ना, हम टोटल जा रहे हैं तेल लाने के लिए, ठीक है? और उसके बाद इसको एक काम है, तो वो काम वाम कम्प्लीट करके फिर मुझे जल्दी से पैकिंग वैकिंग करके निकलना पड़ेगा यार, 4 बज गया अभी तक कोई भी काम। तो टाइम हो चुका है शाम का 4:45 और अभी ये रहा मेरा बाइक, अभी जस्ट मैंने इसमें तेल डाल दिया। जैसे कि आपने भी देखा था कि हम तेल डालने के लिए गए थे, तो मैं वो तेल डालने वाला वीडियो नहीं बना पाया यार। तो फिलहाल अभी हम आए हैं दैनिक जागरण के ऑफिस में, वो सामने जो आप देख पा रहे हो वो दैनिक जागरण का ऑफिस है। क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि इसका जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ खो गया है, तो इसको स्कूल से वापस लेना है, उसके लिए कोई स्लिप चाहिए। कितना बोलता हूँ मैं यार, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। तो ये रही हमारी माता जी और थोड़ा सा मम्मी उदास है, हल्का हल्का सा उदास है मम्मी, क्योंकि मैं फिर से जा रहा हूँ ना। तो और घर पे कोई भी रहता नहीं है, घर पे मम्मी को अकेले रहना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है अकेले अकेले, बहुत मेहनती है मम्मी, पूरा मेहनत करती है भाई, पूरा घर अकेले संभालती है, कोई भी नहीं रहता इनको मदद करने के लिए। तो फाइनली मम्मी को भी बाय बोलने का टाइम आ गया है, अभी 5 मिनट में कन्हैया आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत जो छोड़ा, मतलब अभी थोड़ा बहुत जो भी पैकिंग बचा है ना वो भी करके अभी निकलता हूँ। और इस बार जो है ना गाइस, सब्सक्राइबर बढ़ा के आऊंगा, अगर नहीं तो घर नहीं आऊंगा। दीदी की शादी भी है मुझे फिर भी, मतलब और छठ पूजा भी है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर भगवान चाहे ना छठी में ही अगर चाहेंगी तो पूरा सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो फिर मैं घर पे आके छठ पूजा करूंगा, नहीं तो मैं रास्ते में ही कहीं नदी तालाब में ही उपास करके मैं छठ का उपास करता हूँ वो करूंगा। तो ठीक है, तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9 और मेरा बैग हो चुका है तैयार पूरी तरह से, और अभी मैं यहाँ से जाऊंगा सीधा पूर्णिया जंक्शन और वहां से हम चलेंगे कटिहार जंक्शन की तरफ। मेरे दो दोस्त हैं जो मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे, अभी वो कुछ सामान लाने के लिए गए, जैसे ही वो आते हैं तो एक तो मन्नू साहब मिल ही चुके हैं, कन्हैया से भी मैं आपको मिलवाता हूँ। और अभी सबको टाटा बाय बोल के घर में सीधा निकलते हैं वहां, तो सीधा मैं मिलता हूँ आपको जंक्शन पे। तो फाइनली अभी बज रहे हैं रात के 10:50 और पूर्णिया जंक्शन से निकल के हम पहुंच चुके हैं कटिहार जंक्शन, जहां से मेरा ट्रेन है बोर्डिंग स्टेशन। और ये भाई साहब रास्ते में कोइंसिडेंटली हमें मिल गए हैं, तो ये जा रहे हैं दिल्ली इसी ट्रेन से जिस ट्रेन से हम कटिहार आए हैं, और हमको तो दूसरे ट्रेन से जाना है। और ये दोनों, जैसे कि मैंने बताया था, मन्नू और कन्हैया मुझे छोड़ने के लिए आने वाले हैं, तो ये दोनों आए हैं। अभी 4 बजे तक हम समय काटेंगे और अभी चाय वाय एंजॉय करके समय काटना है, उसके बाद फिर सुबह ये अपना घर मतलब पूर्णिया चले जाएंगे वापस, और मैं ट्रेन पकड़ के कामाख्या चले जाऊंगा। तो बने रहे रात का एडवेंचर और ट्रेन का एडवेंचर देखने के लिए। ओ भाई साहब, यहाँ तो कांड हो गया जंक्शन में, देखो क्या कांड हो गया पूरा, यहाँ तो हल्ला वल्ला हो रहा है पूरा, ये क्या हो गया है पता नहीं, पुलिस भी आई है, शांत नहीं हो रहा पब्लिक, पूरा भीड़ जमा हुआ है यार। Hey!
भाई साहब अपना कटिहार जंक्शन पूरा चमक चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था यार, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता था, अब तो सेंट्रल लेवल के जैसा का एकदम सेंट्रल लेवल का लग रहा है ये तो पूरा स्टेशन। पूरा बाहर से पूरा अच्छा से रोड वोड भी बना हुआ और अच्छा से गेट भी बना हुआ है उधर, तो बहुत सारा चेंजिंग। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा लाइट वाइट भी लगा हुआ है, देखो पुराना जमाना का एक इंजन लगा हुआ है, मैं सामने से दिखाता हूँ। देखो आप पुराने जमाने का इंजन लगा हुआ है बहुत पुराना, और उसमें मतलब अच्छे से डेकोरेट वगैरह किया हुआ है अपना कटिहार जंक्शन। यार चमक गया है, अपना बिहार बदल रहा है, फाइनली अपना बिहार बदल रहा है। हमारे मन्नू बाबू बताइए, कटिहार जंक्शन इतना बदल गया, आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक बार आए हैं तो एकदम पूरा लग रहा है कि एकदम नया नया सा माहौल बना हुआ है। नया है ना, पूरा एकदम झकास लग रहा है ना। कैमरा में अभी थोड़ा सा गाइस नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत अच्छा से डेकोरेट किया गया उधर तो। और अभी रात भर जगना है तो क्या विचार है उसको? अरे पूरा मजा आएगा। कैसे जगेंगे हम? जगेंगे एकदम से, हम लोग लूडो खेलेंगे। और ये रहा अपना तिरंगा, वहाँ पे लहर रहा पूरा प्यार से। हाँ तो आगे बताइए सर। और क्या? तो फाइनली गाइस रात के 2:15 हो रहे हैं, तभी से हम 5 बार लूडो खेल चुके हैं, ऑलमोस्ट कम से कम 5 बार लूडो खेल चुके हैं। और खाने पीने का भी हमारे पास पूरा जुगाड़ था, तो वो हमने खाया है। और मेरे पास एक छोटा सा पतला सा मैट था, इसको मैंने बिछा दिया नीचे, और हम इसको बिछा के तभी से पूरा एंजॉय ले रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यार, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो रहा। अगर मैं अकेले आता ना तो 4 बजे तक इंतजार करते करते पागल सा हो जाता, लेकिन इन लोगों की वजह से पूरा मजा आ रहा है अभी तो। अभी हम फिर से लूडो खेलेंगे और तकरीबन 1.5 घंटे में हमारा ट्रेन आ जाएगा, फिर अपना सफर जारी करेंगे। तो ट्रेन का वेट करते हैं फिलहाल। तो बताइए आपको 2:45 रात में कैसा लग रहा है जंक्शन पे से बैठ के? बड़ा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना आपको? मनोज जी कैसा लग रहा है? हमको तो पूरा पूरा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है बहुत वाला। तो हम लोग एकदम पूरा एकदम खुला जिंदगी, बंजारों की जिंदगी जी रहे हैं। ये हमारा छत है, अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, और ये ऊपर से पाथवे जाने का सामने अपना स्टेशन है। तो मैं 4 बजे अपने ट्रेन पे चढ़ जाऊंगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और जस्ट उस वाले प्लेटफॉर्म पे इनका गाड़ी आएगा, तो वो उस प्लेटफॉर्म से मुझे बाय बोलेंगे और मैं इस प्लेटफॉर्म से। क्या सही है ना? बिल्कुल। और फाइनली गाइस रात के 4:15 हैं, तो अब मतलब 6 किलोमीटर ही रह गया है ट्रेन। अभी मैंने चेक किया करंट स्टेटस, तो फाइनली इनको बाय बोलना पड़ेगा। अच्छा नहीं लग रहा यार, मतलब पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। तो अभी ट्रेन आता है तो ये लोग उस साइड जाएंगे, वो वाले साइड पे, तो 5 मिनट मतलब 4 बजने से 5 मिनट पहले ये उस साइड चले जाएंगे, तो हम दोनों मतलब हम लोग एक दूसरे को इधर से हाई बाय बोलेंगे। ये लोग उस तरफ जा रहे हैं, बाय बाय बाय, अच्छे से रहना, अच्छे से रहना। फाइनली चले गए। और हाँ आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप वेयर इज माई ट्रेन में अपना ट्रेन का स्टेटस चेक करते हैं, और अगर आपको स्टेशन नंबर दिखाता है और अगर आपको प्लेटफॉर्म नंबर दिखाता है, तो पहले कन्फर्म बोलो ना। अभी मैं उसमें देख के 1 नंबर पे बैठा हुआ था, और मेरा ट्रेन 5 नंबर पे आ रहा है, जस्ट अराइव्ड है। तो आप सोचो दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है मुझे, पता नहीं कौन सा 5 नंबर है। चलिए अभी देखते हैं और फिर ट्रेन में बैठते हैं। यार उसका तो रास्ता ऊपर वाले उससे भी नहीं जाता, रोड होकर के आगे से फिर से घूम के जाना पड़ रहा है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ये तो एक अलग ही समस्या है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा है इधर। तो अभी हम जा रहे हैं, और कुछ ऐसा है रास्ता, यहीं से बायां घुसना है प्लेटफॉर्म के लिए। बज रहे हैं 11, और अभी हम पहुंच चुके हैं अलीपुरद्वार जंक्शन। सॉरी गाइस मैं सो गया था यार, मुझे ऐसा नशा सा हो गया था नींद का, तो 4 बजे तक जगा हुआ था ना, तो मैं सीधा ट्रेन में घुस के किसी तरह से चढ़ गया और सो गया था। और अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू अलीपुर, जैसे कि आप देख पा रहे हो न्यू अलीपुरद्वार। तो तकरीबन 4-5 बजे हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां जाने के बाद हम सोचते हैं हमको कहां रुकना है, नहीं रुकना है, कुछ भी प्लान है नहीं मेरे पास। तो हो सकता है आज कामाख्या मंदिर के दर्शन करें, नहीं तो कल दर्शन करेंगे, तो देखते हैं सीन्स कैसे होते हैं। और ट्रेन में तो ट्रेन तो ऑलमोस्ट खाली खाली जा ही है, ये देख सकते हो आप, वो भैया ने बोला था ना कि ट्रेन खाली ही रहेगा, तो ट्रेन तो ऑलमोस्ट खाली खाली सा ही है। टिकट कटवाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा टिकट के पैसे वेस्ट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं यार, रिस्क क्यों लेना था, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही थका हुआ था घर पे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, सीन क्या होता है, बने रहे हमारे साथ। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं न्यू बोंगाई स्टेशन, तो आसाम रीजन ऑलमोस्ट हम एंटर कर चुके हैं, यानी कि आसाम पुलिस के अंडर में ही आ रहा है ये सब कुछ, मुझे तो तब पता नहीं। लेकिन यार नॉर्थ ईस्ट पहुंच के मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ ना,
कि मैं क्या बताऊं, अभी मैं कामाख्या पहुंचूंगा उसके बाद क्या जो होगा मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन एक चीज था कितने दिनों से वेट कर रहा था यार, नॉर्थ ईस्ट। तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा है जंक्शन, और काफी देर से यहाँ पे रुका हुआ है यार गाड़ी, यहाँ पे है ना काफी देर से रुका हुआ, मुझे लगता है कुछ इंजन विंजन बदलता होगा या फिर मेंटेनेंस वगैरह का काम होता होगा, इस वजह से यहाँ रुके हैं। तो करने के बाद मेरे एक होस्ट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो उन्होंने वन नाइट के लिए एक्सेप्ट किया है, तो अभी देखते हैं वहां रुकेंगे या फिर कहीं टेंट लगा के सोएंगे या फिर गुरुद्वारा चले जाएंगे, जैसा होगा भगवान की मर्जी, माता जहां ले जाएंगे वहां जाएंगे हम, तो बने रहे कुछ ऐसा ही। और कल से, और मतलब ये तो पहला ही दिन था ना, कल से पूरा धमाल मचाने वाले हैं हम, देखते हैं पूरा कुछ। तो फाइनली गाइस ये रहा आपके सामने में चाय का बगान और नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी पहाड़ियां, तो नॉर्थ ईस्ट में आपका पूरा पूरा धमाकेदार स्वागत है, और इधर भी जंगल का दर्शन, चारों तरफ बस हरियाली हरियाली नजर आ रही है मुझे। तो अब मात्र 2 घंटे का सफर बच गया, और उसके बाद मैं शायद कामाख्या माता को दूर से प्रणाम करके आगे की ओर बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ 5 घंटे का लाइन लगना पड़ता है यार। सॉरी माता रानी, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरा मतलब दुआ कबूल कर लेना, दुआ नहीं मतलब मेरा पूजा दूर से आप कबूल कर लेना, ऐसा मैं माता रानी से यहीं से प्रे करता हूँ, और फिर हम उसके बाद आगे देखते हैं, अपने होस्ट के पास होगा तो चले जाएंगे बस पकड़ के, नहीं तो हम किसी गुरुद्वारे में रुकेंगे। ओ माई गॉड, आसाम की छोटी छोटी खेतें। तो फाइनली गाइस शाम के 6 बज चुके हैं यार, ट्रेन 2 घंटे लेट हो गया, दिमाग खराब हो गया, पूरा का पूरा ट्रेन खाली है, आपका भाई अकेले बैठा हुआ इस बॉडी में, आपको पता है, ये देखो आप थोड़ा नॉइज हो रहा होगा, अंधेरा हो गया है यार, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो गाइस पूरा का पूरा अंधेरा हो गया है, और अब दिखा रहा है कि हम पहुंचने वाले हैं शायद, तो पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया, प्लानिंग भी खत्म हो गया, पता नहीं क्या करेगा, समझ नहीं आ रहा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, कामाख्या जंक्शन, जस्ट अपना ही ऐसा कुछ खाना आया, वेज खाना, और ये खा के यही है वो आदमी जो सामने में जा रहा है ना, जो देख रहे हो आप गंजा, यही है वो आदमी यार, बड़ा ही वाहियात किस्म का इंसान है, आकर के बोल रहा है लड़की वड़की चाहिए क्या नहीं। तो अभी जो आपने वो अंकल जी और वो जो देवी जी लोगों को जो आपने देखा, सबसे पहले तो मैं उस अंकल जी की बात बता दूं, वो आकर के मुझे बोलते हैं तुमको कोई एंटरटेनमेंट चाहिए क्या, मेरे पास मेरी फ्रेंड है, कैसा अजीब सा इंसान था यार, मुझे चेहरे से देखने लगा, पहले मुझे से टाइम पूछा उसने, मैं उसको टाइम बताया, उसके बाद मुझे बोलता है एंटरटेनमेंट चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बोला आप चल जाओ प्यार से अभी यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ बोल दूंगा आपको तो फिर लग जाएगा। तो फिर मैं जाकर के वहां पे घास, इसी जगह की बात है वो, तो वहां पे घास था, वहां पे जाकर के मैं बैठ गया, तो ये देवी जी लोग आई, और उसके बाद बोले क्या चाहिए, मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला देवी जी बहन जी मुझे माफ कर दो प्लीज, पता नहीं शायद ट्रांसजेंडर थे या फिर देवी जी थी, पता नहीं कौन थी, तो खैर वो सब बात छोड़िए। तो फाइनली मैंने वहां पे खाना वाना खाया, और मैं एक गुरुद्वारे में गया था वो बंद हो चुका था, तो लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि कामाख्या जंक्शन है ना यहीं पे, मैंने ये एक मस्त सा प्लेस मुझे मिला जस्ट पटरियों के पास में, ये देखो इस तरह से मैंने अपना टेंट लगा लिया, यहाँ पे सारा सामान अंदर डाल दिया, और सीधा गाइस सुबह में दिखाऊंगा, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कल से जो है ना वीडियो के और मतलब धमाल मचाने वाले, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, अभी मैं प्रेजेंट में हूँ कामाख्या जंक्शन, तो कल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना जर्नी, तो कमेंट बॉक्स में बताइए जम के कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए।